हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज अपन सीखने वाले हैं टू डिजिट मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी भी नंबर्स का, कोई भी नंबर अपने पास आ जाए टू डिजिट नंबर्स में, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन हम कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग मल्टीप्लाई हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने, उनमें अपना आंसर बिल्कुल सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए, ठीक है, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए अपने बस मान लीजिए अपने पास है ए बी, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सी और डी से। ठीक है, ये कोई भी अपने पास दो दो नंबर्स होंगे, ये ए बी हो गया या सी डी हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, 53, 22, 12, 23, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए स्टेप्स क्या फॉलो करना, सिर्फ थ्री स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप वन क्या हो जाएगा अपना, स्टेप वन क्या हो जाएगा, स्टेप टू, बाद में स्टेप थ्री। ठीक है, ये तीन स्टेप्स और आपका आंसर बिल्कुल क्लियर, कुछ ही सेकंडों में अपना आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप है अपना बी इंटू डी। ठीक है, सामने मल्टीप्लाई करना बी और डी को। ठीक है, बी और डी को मल्टीप्लाई करना, ये अपना फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई डी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को डी से करना है, बी को सी से करना है। मतलब क्या करना है, ए मल्टीप्लाई डी करना है, बाद में प्लस करना है किससे, बी और सी की, क्रॉस मल्टीप्लाई से, बी मल्टीप्लाई से। और लास्ट स्टेप हो जाएगा ए मल्टीप्लाई सी, ये सामने हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। ये तीन स्टेप्स आपको फॉलो करना है और अपना आंसर कुछ ही सेकंड में क्लियर। ठीक है, अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ये स्टेप्स याद रखना क्योंकि हैबिट में डाल लीजिए ऐसे स्टेप्स वगैरह, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसके लिए अपने पास ये ट्रिक है, ये स्टेप्स है जिनसे अपन एक लाइन में और कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 23 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना, स्टेप बताया था मैंने क्या करना है, पहले तो बी को डी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सामने मल्टीप्लाई करना बी इंटू डी। ठीक है, मतलब यहाँ क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये सॉल्व हो चुका है। सेकेंड स्टेप बताया था क्रॉस में ए को डी से और बी को सी से, ए को डी से करोगे उसको प्लस करना है बी को सी वाले से, मतलब ए इंटू डी, 2 × 2 कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा, और 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर अपने पास कितना आता है, 7 आता है, ये इनके बिटवीन में यहाँ लिखना है। और लास्ट स्टेप क्या था, ए को सी से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 2 को 1 से करना है। ठीक है, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ चुका है 276, 23 × 12। और ये चीज़ आप हैबिट में डाल लोगे। ठीक है, इस चीज़ के, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, बिल्कुल सेकंड में आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, 27 × 18। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिजिट बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कैसे सॉल्व करना है, कैरीज वगैरह का भी थोड़ा सा लगता है, कैरी वगैरह भी देनी पड़ती है अपन को। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट तो वही था मैंने बताया था, बी इंटू डी करना है। ठीक है, मतलब 7 × 8 करना है, और 7 × 8 करने पर अपने पास कितना आता है, 56 आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओनली रिटर्न क्या करना है, 6 रिटर्न करना है, 5 को आपको यहाँ रख लेना है एक बार। ठीक है, क्योंकि कैरी वाले में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार समझ लोगे तो। ठीक है, 6 रखा, अब बताया था क्रॉस को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, मतलब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितना आता है, 16 आ जाता है। ठीक है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 16, और 7 को 1 से करने पर 7 आता है, तो 16 + 7। ठीक है, 16 + 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 23 हो जाएगा। ठीक है, और 23 में 5 ऐड करना है आपको। ठीक है, ये 5 कैरी दिया था इस पर, तो 16 + 7 23, 23 + 5 28। अब यहाँ पर 28 का आपको क्या रिटर्न करना है, 8 रिटर्न करना है, और 2 आपको फिर से बचा के रखना है। ठीक है, अब सीधा लास्ट स्टेप था ए इंटू सी, मतलब 2 × 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आता है, 2 में 2 ऐड कर दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, यह आपका फाइनल आंसर है, 486 किसका, 27 × 18 का। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार हैबिट में आ जाएगी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी छोटा आए, कैसा भी आए, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 53 × 22। ठीक है, यहाँ पर भी डिजिट थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए वही स्टेप फॉलो करना है, वैसे ही करना है, बिल्कुल ईजिली मुझे पता है आप समझ चुके होंगे।
ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट है अपना 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 2 पर अपने पास कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर आप 6 रिटर्न कर दीजिए, ना कोई देरी है ना कुछ है, 6 रिटर्न डायरेक्टली हो जाएगा। अब क्रॉस में था तो 2 को तो 3 से करना है, बाद में 5 को 2 से करना है, इनको ऐड कर देना है। 5 को 2 से करने पर अपने पास कितना आ जाता है, 10 आता है, और 3 को 2 से करने पर अपने पास कितना आता है, 6 आता है। तो 10 + 6 अपने पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 का आपको यहाँ पर 6 रिटर्न करना है, और 1 ये लास्ट स्टेप है जो 5 × 2 इसमें ऐड हो जाएगा। 5 × 2 कितना होता है, 10 हो जाएगा, और 10 में अपन को कितना ऐड करना था, 16 आया था उसका 1 ऐड करना है, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1166, ये 53 × 22 का आंसर आ चुका है। कोई ज़्यादा चीज़ हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजीली सोल्व कर सकते हो, किसी भी 2-डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन या 2-डिजिट नंबर का कोई भी गुणा आ जाए आपके पास, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, बिल्कुल ईजीली सोल्व कर सकते हो इस मेथड से। आई होप आप समझ चुके हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।